हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, भारत का गौरव, युवाओं के दिलों की धड़कन, हमारे युवा सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और इसी सभागार में यहाँ का आज कार्यक्रम हो रहा है, उसी के माननीय निदेशक डॉक्टर जगतराम जी, बीबीएपी चंडीगढ़ के चेयरमैन माननीय डीके शर्मा जी, और एक महान शिक्षाविद हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर वीके कोठियाला जी और हमारे संगठन के शिल्पी श्रीमान गणेश कुमार जी, हिमाचल महासभा चंडीगढ़ के पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री एनपी अग्निहोत्री जी, अपने इस चंडीगढ़ को राजनीतिक दृष्टि से जिन्होंने एक प्रखरता दी है, ऐसे हमारे पूर्व मेयर आज के इस वार्षिक उत्सव में जिनको यहां अवार्ड देना है, जो अवार्डीज हैं और जो हमारे डिग्नेटरीज हैं और ट्राई सिटी चंडीगढ़ से जो सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक संस्थाएं आज हमारे बुलावे पर यहां उपस्थित हुई हैं, मैं आप सबका इस सुंदर शहर चंडीगढ़ के 2 लाख की संख्या में जो हिमाचलवासी निवास कर रहे हैं, मैं उन सब की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमें वो सौभाग्य मिला है जिसकी प्रतीक्षा हम लगभग 1 साल से कर रहे थे। आज बाकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, उससे पूर्व आज हमारे देश के वो वीर सैनिक, वो जवान जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने हंसते हंसते अपना जीवन इस देश को समर्पण किया है, उनके प्रति एक कृतज्ञता, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के एक श्रद्धांजलि आप सबके जैसे थे शाम की शाम की शाम।
गोद में ले सो गई जो शहीदों को, उन चिताओं को प्रणाम। चिताओं को जो छू रही है, उन हवाओं को प्रणाम। बारे हैं जिन्होंने देश पर अपने लाल, उन माताओं को प्रणाम, उन मात पिताओं को प्रणाम। अभी हमारे बीच में सुंदर शहर चंडीगढ़ का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी यहाँ उपस्थित है। मैं हिमाचल महासभा चंडीगढ़ की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत करता हूँ। सद्भावना और प्रेम के अंचल में शांत और भोले चेहरे रहते हैं। विशाल पर्वत और सुंदर घाटियों में बर्फों के दरिया बहते हैं। जिंदा है ईमानदारी और शराफत जहां, उसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। आदरणीय उपस्थित बंधुओं, मानव जीवन का उद्देश्य राज्य सुख और स्वर्ग नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य समाज के उन जरूरतमंद लोगों के साथ अगर हम अपनी सद्भावना से उनके कष्टों को निवारण करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वही सबसे बड़ी मानव सेवा है। और इसी मानव सेवा का संदेश भारत की जो हमारी अमर संस्कृति है, वो उसका भी जो मूल संदेश है वो मानव सेवा है। तो आज जिस हिमाचल महासभा का इस सभा स्थल में उत्सव हो रहा है, हिमाचल महासभा भी वही एक संस्था है जो समाज के प्रति समर्पित है। समाज के उन कोटि कोटि जन है, उनके दुखों को, उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को बांटने का काम हिमाचल महासभा कर रही है। तो आज मैं इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय और हिमाचल नहीं पूरे देश के अंदर जिनका आज दंगा बज रहा है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा मिलना, जैसे ही सरकार बनी, जैसे ही हिमाचल में सरकार बनी, तो मेरे को मेरे साथियों ने कहा कि अगर प्रधान जी वार्षिक उत्सव करना है तो वहां यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आने चाहिए। बहुत बार प्रयास हुआ, क्योंकि हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला, तो उसके बाद बहुत से ऐसे कार्य थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं। एक आध बार कार्यक्रम तय भी हुआ, लेकिन कुदरत को वो मंजूर नहीं हुआ और हमने भी तेरा पीछा मैं ना छड़ांगा, अगे आप सोच लो। और हम भी पूरे प्रयास पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगे रहे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे संगठन के शिल्पी माननीय दिनेश जी का, जिन्होंने आज हमारे पर बहुत बड़ा आभार किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं ज्यादा विस्तार से न कह करके एक छोटा सा आपके सामने रख रहा हूं। हर सांस के लिए एक विश्वास, कैसे पूरी करूं प्रदेशवासियों की आस, देश का सिरमौर बन जाए मेरा प्रदेश, बस यही है मुख्यमंत्री जी के जीवन का उद्देश्य। तो आज मैं इस खचाखच
आनंदवासियों की तरफ से इस गौरवमय क्षण में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके साथ हमारे बीच में माननीय अनुराग जी ठाकुर, जो हमीरपुर लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं और अभी चौका लगाने वाले हैं। तो मैं माननीय अनुराग जी, जो पार्लियामेंट में चीफ व्हिप हैं, और अनुराग जी का नाम एक खेल और दूसरा रेल, हर एक व्यक्ति की अपनी जीवन की विशेषताएं होती हैं। अनुराग जी ने अपने आप को स्थापित किया है खेल महाकुंभ करवा करके और मेधावी छात्रों के लिए भारत दर्शन करवा करके, और साथ में हमारा जो ऊना जिला है उसको तलवाड़ा के साथ जोड़ने के लिए बनूपरी रेलवे लाइन के लिए ना जाने कितने सपने संजोए हुए हैं अनुराग जी हिमाचल के लिए। आज हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने बीच में डॉक्टर डीके शर्मा जी, एक बार सबका स्वागत ले लेंगे, जिन जिन का भी मैं नाम लेता हूं सब अपनी का स्वागत लेंगे। तो डॉक्टर डीके शर्मा जी जो अपने बीबीएनडी के चेयरमैन हैं और हिमाचल जिला, हिमाचल के बिलासपुर जिला से आप संबंध रखते हैं, और आप जब भी मैं किसी काम के लिए जाता हूं तो आप सहर्ष मेरी हेल्प करते हैं, मैं आपका भी यहां भव्य स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारे डॉक्टर जगतराम जी जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, आपकी जो शख्सियत है वो हम सबको पता है। अभी अभी भारत सरकार की ओर से 25 जनवरी को पद्मश्री की जब डिक्लेरेशन हुई तो एक पद्मश्री जो है वो हमारे सरकार को मिला है। मैं इस अवसर पर पूरे हिमाचल की ओर से, पूरे भारत की ओर से, और विशेषकर जो हिमाचल वासी हैं उन सब की ओर से मैं डॉक्टर जगतराम जी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक शख्सियत हमारे बीच में और हैं, डॉक्टर वी के कुठियाला जी, आप महान शिक्षाविद हैं और कांगड़ा जिला से आप संबंध रखते हैं, और इस समय आप हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के माननीय चेयरमैन हैं। उससे पहले आप लगभग 9 वर्ष वाइस चांसलर के रूप में आपने काम किया है। तो ऐसी शख्सियतों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपको नमन करते हुए हम सब को गौरव महसूस हो रहा है, तो आपका भी यहां स्वागत है। तो उसके बाद आज क्योंकि मुझे भी अवसर मिला है इसलिए 5 मिनट मैंने और देने हैं। हिमाचल महासभा चंडीगढ़, जो पिछले 3 दशकों से चंडीगढ़ में रह रहे हिमाचल वासियों की सेवा में सफल, जो सामाजिक संस्थाएं करती हैं वो हिमाचल महासभा भी कर रही है, लेकिन हिमाचल महासभा की कुछ विशेषताएं, कुछ काम मैंने अपनी सभा के लिए चिन्हित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक तो मैं सब हिमाचल भाइयों से बार बार ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो 50 साल के ऊपर के हैं उन्होंने हिमाचल को देखा है, हिमाचल को जिया है, लेकिन जो आज हमारी जनरेशन है, जो चंडीगढ़ में सेटल्ड हो गए हैं, उनके लिए और अपनी सभा के लिए बार बार मैं ये निवेदन करता हूं कि साल में एक बार अपने गांव दर्शन के लिए अपने गांव में जाइए। अपनी माटी से जुड़िए, जब हम अपनी माटी के साथ जुड़ेंगे, हमारा जुड़ाव होगा अपनी माटी के साथ, तो निश्चित रूप से मैं जब यहाँ चंडीगढ़ से पीजीआई की तरफ से निकलता हूँ तो मेरा बेटा कार में मेरे साथ होता है तो कहता है पापा अपने गांव की खुशबू आने लग पड़ी। तो मित्रों,
अपना जो प्रदेश, अपना जो प्रदेश है, उस प्रदेश के ऊपर अपने को गौरव होना चाहिए। और हम सब हिमाचली वो ऐसा करते भी हैं। हमारे जीवन में वो गौरव जो है, हिमाचल का गौरव, वो हमारे जीवन में एक एक रक्त के अंदर हमारे बैठा हुआ है। क्योंकि आज हिमाचली को कोई काम दे करके कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ के चले जाता है। आपकी ईमानदारी की दाद जो है वो दुनिया की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आते ही कहा कि मुझे जाना है, इसलिए मैं लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके बीच में नहीं रहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हिमाचल महासभा पिछले 30 वर्ष से इस चंडीगढ़ शहर के अंदर अपना जो सामाजिक कार्य है उसको कर रही है। लेकिन इन 30 वर्षों में हिमाचल की एक ऐसा मैं समझता हूं, प्रांत बाकी प्रदेशों ने अपने अपने भवन बना लिए, लेकिन हिमाचल एक ऐसा स्टेट रह गया जिसका अपना भवन चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज, जितने भी मेरे हिमाचली भाई बैठे हुए हैं, मैं आप सबकी तरफ से आज एक नमन निवेदन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चंडीगढ़ के अंदर हमें एक ऐसा स्थान मिले, एक ऐसा प्लॉट मिले जहां हिमाचली भी अनुभव कर सके ये हमारा हिमाचल भवन है। और हिमाचल भवन का उपयोग जो मैंने सोचा है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल से बहुत से पेशेंट आते हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए लोग आते हैं, पेशेंट के साथ आते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत आती है। शाम को जब हम पीजीआई में जाते हैं तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ लोग पड़े हुए हैं, हिमाचली लोग, और विशेषकर से जब हिमाचली को देखते हैं तो कई बार अपना मन जो है वो अंदर से फंसी जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सबकी तरफ से एक निवेदन करता हूं कि हमारे को जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से लेने के लिए हमारी हेल्प की जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुनि मंदिर सेक्टर 23 को, जहां हम 30 साल से जो है वो अपनी मासिक बैठक यहां कर रहे हैं। मैं उनका भी यहां आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक इमीडिएट निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर प्लॉट में थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्रदेश के PWD जो डिपार्टमेंट है वो आपके पास है, पर्यटन डिपार्टमेंट आपके पास है, यहाँ पर हिमाचल सदन है, सदन के अंदर जो है वो कमरे हैं, उनमें से अगर मुख्यमंत्री जी हमें 2 कमरे सभा की गतिविधियों के लिए दे देंगे तो मैं आपका सभा की तरफ से बहुत आभारी हूं। उसके बाद आज हम सबको एक बहुत गौरव की बात है कि जो पुलवामा में हमारे 40 CRPF शहीद हुए थे, उसके बाद अभी हमारे जो अभिनंदन हैं, अभी परसों ही हमारे अभिनंदन जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी अपने साहस और शौर्य और पराक्रम का बल दिखाया है, वो भारत आए हैं, हम भारतवासी तत्पस्तक होकर के उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं एक जय घोष दूंगा, मैं बोलूंगा अभिनंदन का अभिनंदन है, आप कहेंगे भारत माँ का बंधन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, भारत माँ का बंधन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, भारत माँ का बंधन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, भारत